कभी रोहित शर्मा को देखकर लगता था कि विनोद कांबली की ही तरह इस प्रभावशाली क्रिकेटर का करियर भी जल्द खत्म हो जाएगा। महसूस होता था कि रोहित अपने नैसर्गिक खेल का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यह बात खुद रोहित के अंतर्मन को भी कचोटती रही होगी। आत्ममंथन के दौर में रोहित ने खुद को बदलने का फैसला लिया। बस फिर क्या था, हिटमैन के बदलते ही इतिहास बदलने लगे। आज टीम इंडिया के इस धांसू खिलाड़ी का जन्मदिन है। आइए आपको उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हैं। कलाई के जादूगर रोहित मूलतः हैदराबाद के हैं। जन्म संतरों के शहर नागपुर में हुआ। क्रिकेट मुंबई में कोच दिनेश लॉर्ड ने सिखाया। लॉर्ड खुद सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर के शागिर्द रह चुके हैं। आज रोहित शर्मा अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। रोहित की प्रतिभा और कौशल का तो हर कोई कायल था और है। उन्होंने खूब उतार चढ़ाव झेले हैं। एक वक्त तो यह भी आया कि जब वह वनडे में भी रन बनाने के लिए तरस गए। साल 2007 वर्ल्ड कप T20 में पहली बार दुनिया को अपना नाम याद दिलाने वाले रोहित विश्व कप 2011 टीम में ही नहीं चुने गए। दिक्कत सिर्फ यही रही कि वह एकाग्र न होकर बीच में अक्सर राह भटक गए। मुंबई इंडियंस की आईपीएल में कप्तानी से रोहित पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। अपनी कप्तानी में रोहित ने मुंबई इंडियंस को 4 बार खिताब दिलाए। दरअसल जिम्मेदारियों ने रोहित के खेल को निखारा। जिम्मेदारियों की कसौटी में तत्पर रोहित जैसे सोना कुंदन बनकर निखरा। 108 वनडे खेलने के बाद 26 बरस की उम्र में कोलकाता में उन्हें अपने बेस्ट करियर का आगाज करने का मौका मिला। रोहित ने डेब्यू टेस्ट में ही शतक लगा दिया। ऐसा करने वाले वह 14वें भारतीय थे। भारत के महान विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के रंगत खोने के बाद कप्तान धोनी के भरोसे ने रोहित को वनडे टीम में जगह क्या दिलाई कि उन्होंने फिर बुलंदी को चूमने की ठान ली। शिखर धवन के सलामी जोड़ीदार के रूप में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 83 रन की मैच जिताने वाली पारी खेलकर अपनी जगह टीम में पक्की की। सच है, सब्र का फल मीठा होता है। शायद यह बात रोहित को भी समझ आ गई। 2019 विश्व कप में रोहित वर्ल्ड कप इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने इस टूर्नामेंट में किसी एक एडिशन में सबसे ज्यादा 5 शतक बनाए हों।